गुड इवनिंग एवरीवन, नेहा दिस साइड. ओके, सो फॉर एक्रेलिक पेंटिंग आई एम टेलिंग यू द बेस. ठीक है, आपको बेस कैसे रेडी करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेंटिंग. ठीक है, अगर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम बहुत ज़्यादा डार्क बेस लेते हैं, ठीक है, तो डार्क बेस लेने से क्या होगा, जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो हमें ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, बिकॉज जो ब्लू कलर का कार्बन होता है, जब आप ब्लू कलर के काबल से करते हैं तो ब्लू कलर का इम्प्रेशन जहाँ पर ट्रेस कर रहे हो वहाँ पर आएगा, बट और भी दूसरी जगह पर आ जाता है, जिससे कि हमारी पेंटिंग्स ख़राब हो जाती हैं. ठीक है, तो हमें हमेशा जो बेस होता है ना, वो लाइट कलर का लेना चाहिए. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग येलो एंड ऑरेंज. सो वी विल यूज़ मोर ऑफ येलो एंड लेस ऑफ ऑरेंज. येलो हम लोग इसलिए ज़्यादा लेंगे बिकॉज अगर हम उसके ऊपर येलो कार्बन से भी वर्क करेंगे ना, तो वो येलो कार्बन हमारा विजिबल हो जाएगा. ठीक है, बट अगर हम ब्लू कार्बन से वर्क करते हैं ना, तो ब्लू कार्बन से हमारी पेंटिंग ख़राब हो सकती है. सो व्हाट आई विल डू, पैलेट के अंदर हमने येलो और ऑरेंज को थोड़ा सा मिक्स किया. आई विल जस्ट शो यू, आई हैव टेकन येलो एंड ऑरेंज. मैं बिल्कुल ज़्यादा मैं येलो ले रही हूँ, बिल्कुल टिंच ऑफ ऑरेंज, दैट्स इट. बहुत ही कम मैं ऑरेंज को लूँगी, ज़्यादा मैं येलो को ले रही हूँ. ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस और आई जस्ट अप्लाई जो भी मेरा कैनवस है. आई एम यूजिंग कैनवस, ठीक है, पैड, एंड आई जस्ट सिंपली टेक द कलर एंड जस्ट अप्लाई. तो बिल्कुल लाइट आपका येलो और ऑरेंज कलर का मिक्सचर बन जाएगा ये. ठीक है, बीच बीच में अभी व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट टेकिंग वाइट ऑल्सो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमें अपना जो बेस है ना, वो हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है. ज़्यादा डार्क बेस होगा तो आपको ट्रेसिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा डार्क बेस नहीं करेंगे. जस्ट कीप इट लाइक दिस सो दैट इट विल बी विजिबल. सो रैंडमली मैंने ब्रश के अंदर वाइट और येलो और ऑरेंज को मिक्स करके आई एम जस्ट टेकिंग. आपको वाइट वाइट ज़्यादा थोड़ा यूज करना है बिकॉज वी वॉन्ट वेरी लाइट टेंच. कॉर्नर्स में आप डार्क थोड़ा कर सकते हैं, रीजन बीइंग कॉर्नर्स पर हमारे डिज़ाइन ही आएगा. ठीक है, बट सेंटर में आपको लाइट कलर यूज़ करना है बिकॉज जो हमें डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर भी कलर होगा. ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर भी कलर करने के लिए हमें बेस लाइट ही रखना है. सो टेक मोर ऑफ दिस येलो एंड वाइट कॉम्बिनेशन. ऑरेंज आपको बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ हमें टेंच के लिए ऑरेंज देना है. आप साइड में ऑरेंज को कर सकते हैं ज़्यादा, बट सेंटर में आप बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा करेंगे. तो आप ब्रश के अंदर ऑरेंज, येलो एंड वाइट आप तीनों कलर ले रहे हैं. ठीक है, अब उनको ऐसे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, टेक मोर ऑफ येलोज एंड वाइट, वेरी लेस, बिकॉज आप सिर्फ ये देखिए कि ऑरेंज हमें सिर्फ एक ना इफेक्ट के लिए चाहिए. ऑरेंज हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है, ऑरेंज हमें सिर्फ एक इफेक्ट के लिए चाहिए. ज़्यादा हमें येलो और वाइट ही यूज़ करना है. अब ब्रश में आप लेते जाइएगा येलो और वाइट, येलो और वाइट. ठीक है, ऑरेंज आपको बहुत ही कम यूज़ करना है. और ये तीनों कलर्स को आपको एक साथ ही यूज़ करना है. ठीक है, क्योंकि अगर कलर ब्लेंडिंग जब आप करेंगे, अगर कलर ब्लेंडिंग ठीक नहीं होगा ना, और आप सोचेंगे कि मैं इसको पहले ड्राई होने देती हूँ फिर मैं दूसरा कलर को मिक्स करूँगी, तो नहीं, वो नहीं होगा. कलर हमेशा एक साथ ही ब्लेंड होते हैं, एक के साथ एक ही मर्ज होते हैं. और डार्क कलर मत लेना, डार्क कलर लोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी आपको ट्रेसिंग करने में. ठीक है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना है. वाइट और येलो ज़्यादा लेना है, ऑरेंज सिर्फ और सिर्फ हमें इफेक्ट के लिए लेना है कि वो ऑरेंज सुंदर लगता है. ठीक है, फिर आप वाइट कलर लेके उसके कहीं कहीं आप
स्ट्रोक्स दे सकते हैं। कहीं पर भी अब आपने सिर्फ एक येलो कलर लिया और जहाँ पर भी मैंने ना ऐसे आप ऐसे स्ट्रोक्स कहीं कहीं लगा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपने येलो कलर लिया, देखिए येलो कलर मैंने लिया ब्रश में, ठीक है। आई जस्ट टेक येलो इन द ब्रश, कहीं कहीं रैंडम आई एम जस्ट गिविंग स्ट्रोक्स। कहीं कहीं जब स्ट्रोक्स आते हैं ना, जब वो सूख जाता है आपका पेंटिंग, तो वो बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ जाता है जब आप कहीं कहीं पर उसके स्ट्रोक्स दें, ठीक है। मोर यूज ऑफ वाइट विल लुक गुड। लाइट्स तो हमें रखना ही है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हमें ट्रेसिंग में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम उसको लाइट कलर ज़्यादा दे रहे हैं। आप अब ऐसे जैसे मैंने येलो के स्ट्रोक्स किए थे ना, इसे अब मैं वाइट के कई कई स्ट्रोक्स दे रही हूँ और थोड़ा सा उसको मर्ज कर रही हूँ कलर के साथ। मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसके अंदर मैंने ऑरेंज पेज ज़्यादा लिया था, ठीक है, बिकॉज मैं आप सबको नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को तो मैंने उसको बहुत स्ट्रेन लिया था फिर उसको करने के लिए। वो जब आप उसको करते हैं ना, आप ट्रेसिंग करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपको लाइट ही बेस रखना है, डार्क बेस में प्रॉब्लम आती है आपको करने के लिए। सो लाइक दिस, अब इसके अंदर क्या हुआ, आप आई होप इट इज़ विजिबल, आप एक क्लियर एक अच्छा इफेक्ट देख पा रहे हैं। जस्ट कहीं कहीं मैंने रैंडमली स्ट्रोक्स देख दिए जहाँ पर ऑरेंज बहुत ही कम है। ऐसा मत करिएगा कि ऑरेंज करना ही नहीं है, नहीं, ऑरेंज करना है, नहीं तो येलो और वाइट का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। येलो वाइट का अलग कॉम्बिनेशन आ जाता है, और अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा टेंच बहुत ही कम आप ऑरेंज लगाते हैं तो वो ऑरेंज का एक अपना ही इफेक्ट अलग आता है। तो आप ऑरेंज ज़रूर यूज़ करिएगा, बट बहुत ही कम यूज़ करना, ठीक है। आप ऐसे इसको बेस रेडी करके रखिएगा एंड देन वी विल डू द ट्रेसिंग ऑल्सो। टेक केयर, बाय।